क्या आपको कंघी करने में दिक्कत हो रही है? क्या आप अपना हाथ सर के ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं? हो सकता है कि आपको शोल्डर स्टिफनेस की दिक्कत हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक वैश, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, दिल्ली से बोल। शोल्डर स्टिफनेस एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो एज के हिसाब से अलग अलग लोगों में देखी जाती है और उसके कारण भी अलग होते हैं। लेकिन अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट तीन कारण शोल्डर स्टिफनेस के देखें तो सबसे नंबर वन कॉज होता है फ्रोजन शोल्डर, जो कि सबसे कॉमनली जिनको डायबिटीज़ होती है या शुगर हाई होता है उन लोगों में देखी जाती है। हमारे पास जितने पेशेंट आते हैं उसमें से 70% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनको डायबिटीज़ है, बट शोल्डर स्टिफनेस होने की वजह से जब उनकी जांच होती है तब पता चलता है कि उनको डायबिटीज़ भी है, जो उनको पता ही नहीं था कि उनकी बॉडी में शुगर की मात्रा हाई होने से है। सेकेंड कॉज इसका होता है कि कुछ लोगों में गठिया होता है, आर्थराइटिस होता है, जो कि आइदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस एग्जांपल हो सकता है या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। उन लोगों में भी पेन की वजह से शोल्डर में स्टिफनेस आती है। अगर यंग लोगों में देखें तो सबसे कॉमन कॉज होता है लिगामेंटस इंजरी, जो शोल्डर जॉइंट के आसपास होने की वजह से स्टिफनेस ऑफ शोल्डर हो सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें, शोल्डर का एग्जामिनेशन कराएं और उसका कारण ढूंढें, बिकॉज हर कारण के हिसाब से ट्रीटमेंट अलग है। बट आप घर में क्या कर सकते हैं, अगर फ्रोजन शोल्डर है, अगर 2-3 दिन से ज़्यादा हो जाए, आपको शोल्डर में पेन है, आपको कंधा हिलाने में दिक्कत होती है, तो ये एक गंभीर समस्या है जो आपको डॉक्टर से मिलके कारण ढूंढना चाहिए। पहले आपको कंधे की सूजन होने के लिए बर्फ़ की सिकाई करनी चाहिए, उसके बाद आप सिंपल पेन किलर्स ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास घर में हो, और ये सब आपको सोल्यूशन ना दें तो आपको डॉक्टर से मिलके इसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए।